सुबह 3:20 से लेकर 6:30 तक का ये जो समय है बड़ा ही खास है। इस समय अगर आप उठना शुरू कर देते हैं तो आप साक्षात अमृत का अनुभव कर पाओगे, क्योंकि ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय। मान लीजिए किसी काम को करने में आपको 3 घंटे देने पड़ते हैं, तो अगर आप इस समय उठकर उस काम को करोगे तो वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में आप पूरे कर सकते हैं। काफ़ी सारे मित्र ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है ना, वह है सुबह जल्दी उठना। लेकिन याद रखिए, चैलेंज बड़ा है तो जीत भी तो उतनी ही बड़ी होगी। आपको एक बड़ी वजह चाहिए, क्यों आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, क्लियर होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को भी ये पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा सीरियस है, ये उठना चाहता है सुबह जल्दी। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप सुबह जल्दी उठे थे वो कब था? चाहे आपको एग्ज़ाम दे रहे हों उस वक्त, या फिर ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाने वाले हों। ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए, एग्ज़ाम में लेट हो गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए हैं कि भाई उठना ही है, दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक ऐसे ही दोस्त, आपको एक रीज़न चाहिए क्यों उठना है। वैसे दोस्तों, कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो शेयर किया था, सुबह 3 से लेकर 5 बजे तक के समय में जो लोग उठ जाते हैं उनको कैसे फ़ायदे मिलते हैं। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है और अनुभव किया है इस चीज़ को कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी चीज़ें घटती हैं जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक चेंजेस लेकर आते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि मुझे क्यों सुबह जल्दी उठना है। बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए एक कारण काफ़ी है। आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपनी ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव दिन बनाना चाहता हूँ इसको। कल सुबह अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको कुछ बाधाओं को दूर करना है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप दिन भर बिस्तर पर लेटे रहते हैं, या फिर आप दोपहर के समय सोते हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो ये चीज़ रोक रही है आपको, क्योंकि आपको फिर रात में जल्दी नींद नहीं आएगी। आप देर से सोएंगे, देर से उठेंगे। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को खास दोपहर में कभी नहीं सोना चाहिए। दूसरी जो बाधा आती है वह है देर रात को खाना खाना और ज़्यादा खा लेना। ऐसी चीज़ें खाना जो बहुत ज़्यादा मसालेदार हैं, जो तमस को बढ़ाती हैं, नॉनवेज, ये सारी चीज़ें आलस्य को बढ़ाएंगी। खाना पचेगा नहीं, पाचन तंत्र लगा रहेगा, नींद अच्छी नहीं होगी, तो सुबह जाकर आपको नींद आएगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितनी जल्दी आप डिनर कर पाओ, 7 बजे तक 7:30 बजे तक अगर आपसे हो पाए, लाइट डिनर होना चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी जो बाधा आ जाती है वो है सोने से ठीक पहले अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो हो ये रहा है कि आपका जो मेलाटोनिन है वो हो जा रहा है इम्बैलेंस। अगर वो अच्छे से सीक्रेट नहीं होता तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। कई सारे मित्र ये सवाल भी करते हैं कि भाई हम अलार्म लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बिस्तर के नज़दीक नहीं होना चाहिए, कि सोते सोते उसको ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उसको कोशिश करें थोड़ी दूरी पर रखने की, कि आपको बिस्तर से उठना ही पड़े उसको बंद करने के लिए। अगर आपकी कहानी आपको पढ़ के सुनाया जाए जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये बंदा सुबह 3:30 बजे उठता है, अंधेरे में दौड़ने निकल जाता है घर से, पूरी दुनिया सोई हुई है, ये अकेला बंदा दौड़ रहा है, चाहे कैसा भी वेदर हो, चाहे इसका मूड थोड़ा ख़राब भी क्यों ना हो, ये भागता है। ये है स्ट्रॉन्ग इमोशन जो आपको लेकर आना है। एक योगी की तरह देखेंगे, जब सारी दुनिया आलस्य में है, सोई हुई है, 1 घंटे और सो लेता हूँ 2 घंटे और सो लेता हूँ, आप जाग रहे हैं। किसी चीज़ में अगर आपको मज़ा आने लग गया ना, तो आप लंबे जा सकते हैं उसमें, बहुत समय तक आप टिक के रह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठ रहे हैं एक पनिशमेंट की तरह, मजबूरी में ना। सुबह उठें, ध्यान के लिए समय निकालें, उस वातावरण को अनुभव करें जो हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी में है, जो शांत है। 20 मिनट मेडिटेशन के बाद अब आते हैं मूवमेंट पे। कोई एक्सरसाइज करें जिससे शरीर खुल जाए, आप और भी ज़्यादा बेहतरीन महसूस करेंगे, और फिर वापस आकर आप अपने दिमाग को शांति से किसी काम में लगा देते हैं। उस समय कोई बाधा नहीं है, कोई आसपास का वातावरण, कोई लोग, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सब कुछ आप लगा देते हैं अपने काम में, जो आपको करना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो लेज़र लाइक फोकस हो जाता है आपका, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उस ऊर्जा को आप पूरे तरीके से अपने काम पर दे पाते हैं। और एक बहुत ही ख़ास बात, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहा हूँ लेकिन अब चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काफ़ी समय हो गया है, तो इस समय ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उठकर देखें और ये सारे नियम फॉलो करें। एक तो आपको फ़ायदे भी मिलेंगे, प्लस जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है
वो भी तेजी से होने लगेगा। इस समय हम एक खास किताब का अध्ययन करते हैं। उस किताब का लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज इतना ही मित्र, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।